हेलो दोस्तों, नमस्ते। पूनम सोशी 24 में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया डिश, गुजिया। और सभी जगह इसे गुजिया बोलते हैं बहुत जगह, और हमारे बिहार में इसे पिरुकिया भी बोलते हैं। अब त्यौहार आने वाले हैं तो गुजिया बनेंगे, पुआ बनेंगे, बहुत ही अच्छा अच्छा मीठा मीठा डिश बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुजिया बनाना। गुजिया बनाने के लिए देखिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम गुजिया बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक कटोरी मैदा लिए हैं और उसमें हम डालेंगे देसी घी, ये ले लिए हैं। और इसे डो बनाने के लिए हम पानी चाहिए। अब हम स्टफिंग बनाने के लिए लेंगे सूजी, चीनी, दूध, ग्रेट किया हुआ नारियल और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू है, किशमिश है, छोटी हरी इलायची 3 है। आप ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद से जो भी मन करे वो ले सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार, और क्वांटिटी भी आप अपने ही पसंद से लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें हम डालेंगे मैदा। और अब हम इसमें डालेंगे घी। घी से गुजिया में खस्ता बहुत ही अच्छा आता है, इसका मोइन करने से। इसमें एक बड़ा चम्मच हम घी डाल दिए हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा मैदा बढ़िया से मिक्स हो जाए घी में। देखिए बहुत ही बढ़िया से मैदा में घी मिक्स हो गया है, बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रहा है। आप घी का ही इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा इसे गुजिया बनता है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। देखिए इस तरह से बाइंडिंग होना चाहिए मैदा, हल्के ही हाथों से ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। इस तरह से इसका लुक इसी तरह से होना चाहिए। देखिए इस तरह से सूखा सूखा नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छे से घी मिक्स हो गया है। अब हम इसमें गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा देंगे, ज़्यादा गर्म पानी नहीं है। और इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे, जैसे पूरी का हम तैयार करते हैं हम लोग, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें बेकिंग पाउडर या सोडा नहीं डालना है। डो में हम अच्छा से मोइन डालेंगे तो हमारा गुजिया बहुत ही खस्ता बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। अगर डो में हम लोग घी या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल का कम यूज़ करेंगे, बहुत कम यूज़ करेंगे, तो सूखा सूखा कड़ा बन जाता है। तो इसलिए अच्छे से एक कटोरी मैदा में हम एक बड़ा चम्मच घी या कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। हलवाई लोग मोइन अच्छे से डालते हैं, इसीलिए उन लोग का खास्ता बनता है कोई भी चीज़। देखिए अब बहुत ही बढ़िया डो तैयार हो गया है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए इस तरह का हमें कड़ा डो चाहिए। अब हम इसे ढक के छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। अब हम एक पैन चढ़ा दिए हैं, गैस ऑन कर दिए, और इसमें हम डालेंगे घी। 2 चम्मच घी हम डाले हैं, घी मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे सूजी और इसे अच्छे से धीरे धीरे भूनना है। इसे भूनने में हमें 7 से 8 मिनट लगेंगे, क्योंकि सूजी में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है भूनने में।
और गैस का फ्लेम हम लोग लो टू मीडियम रखेंगे, क्योंकि तेज करेंगे मीडियम हाई पे रहेगा तो बहुत जल्दी सूजी जल जाएगा। देखिए सूजी का कलर चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी आने लगा है, बहुत ही बढ़िया भुना गया हमारा सूजी। सूजी भुनने के लिए आप या तो नॉन स्टिक कढ़ाही लें या फिर मोटे पेंदी के कढ़ाही लें, क्योंकि सूजी बहुत ही जल्दी जलता है और हमें उसे बराबर चलाते रहना पड़ेगा, चलाते रहना पड़ता है बराबर, सूजी को हमें बराबर चलाते रहना पड़ता है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी और इसे हम मिक्स कर देंगे। जितना सूजी लेंगे उतना ही चीनी लेंगे, हमेशा यही मेजरमेंट रहेगा। अब हम इसमें डालेंगे दूध, दूध डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गुजिया का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, आप कम से कम इसे 2 सप्ताह तक इसे खा सकते हैं। अगर महीनों दिन तक चलाना है, अगर आप ज़्यादा गुजिया बना रहे हैं या फिर किसी को भेज रहे हैं तो आप दूध के जगह पानी यूज करें, तो वो गुजिया आपका 1 महीना तक आराम से रहेगा और चलता है, खाते हैं लोग। लेकिन अगर आप कम बना रहे हैं तो आप दूध डालें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग का। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और इसे बराबर चलाएं। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर दिए हैं क्योंकि अच्छे से सूख रहा है, अब हमें इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। देखिए इस तरह से हम अच्छे से स्टफिंग को सुखा लिए हैं, इसे भी भुनने में हमें अच्छे से 5-6 मिनट लग जाता है स्टफिंग को भुनने में। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। इस तरह से अगर स्टफिंग आप बनाएंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि खोया या मावा का नहीं बनाए हैं, बहुत लोगों को मावा का नहीं पसंद आता है, तो सूजी का ही हम इस तरह से बनाएंगे ताकि पता ना चले कि इसमें मावा नहीं है। वैसे सूखा सूजी भी भून करके और भुनने के बाद में हम उसमें दूध या पानी मिक्स करके चीनी डाल करके ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, लेकिन हम इसमें सूजी को पकाए हैं इसलिए ये थोड़ा सा मावा जैसा लगेगा। आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ नारियल, काजू, किशमिश और ये इलायची का छिलका हटा देंगे। क्रश किया हुआ ये इलायची डालें, बहुत ही अच्छा खुशबू आता है तुरंत उसी समय। इलायची पाउडर भी मिलता है लेकिन वो ना डालें, उसमें खुशबू नहीं रहता उतना। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है स्टफिंग में से, देखिए कितना प्यारा स्टफिंग बना है हमारा गुजिया का, बिल्कुल मिठाई जैसा लगेगा। इस तरह से आप बनाइए, बिल्कुल नहीं लगेगा कि सूजी का हम गुजिया बनाए हैं, बिल्कुल लगेगा कि मेवा का गुजिया है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, बहुत ही अच्छा इस तरह से बनता है। और अब हम गैस ऑफ कर देते हैं क्योंकि तो सूजी गर्म है तो उतना में हमारा ड्राई फ्रूट्स भी भुना जाएगा। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं पूरा, देखिएगा सूजी ठंडा होने पे खिल जाएगा और अलग अलग हो जाएगा। इसे हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं। स्टफिंग बहुत अच्छा से ठंडा हो गया है और अब हम इसे अलग अलग कर देते हैं। देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गया, इसे हाथ से ही इस तरह से कर दे अलग अलग, जो इकट्ठा हो गया है बहुत ईजी वे में बिल्कुल अलग अलग हो जा रहा है। अब इससे क्या होता है ना कि इसे स्टफिंग हम करेंगे ना गुजिया में तो खाने पे तोड़ने पे गिरता नहीं है, भरभरा के ऐसे सूखा सूखा रहता है तो वो गिरता है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए बिल्कुल आपको लुक लग रहा है मावा वाला। अब हम इसे
ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए स्टफिंग बनके हमारा रेडी है, बहुत ही अच्छा स्टफिंग बना है। अब चलिए हम इसका गुजिया बना लेते हैं। आधा घंटा से ऊपर हो गया है डो को रेस्ट किए हुए, अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गया है डो हमारा। अब हम इस डो के दो भाग कर देते हैं। इसके छोटे छोटे लोई बना लेते हैं। इस तरह से चिकना करके हम पेड़ा बना लेते हैं। इसमें हमें कोई भी आटा नहीं लगाना है या फिर कोई भी तेल नहीं लगाना है। अब हम इसे एक कपड़े से, टॉवल से, जो कि थोड़ा सा हल्का सा गीला टाइप का है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं चाहिए, थोड़ा जैसे अध सूखा हुआ कपड़ा हमें चाहिए, हल्का भींगा हुआ निचोड़ा हुआ, उससे हम इसे ढक देंगे ताकि हमारा लोई सूखे नहीं, डो हमारा सूखे नहीं। अब चलिए हम इसे बेल लेते हैं। एक लोई हम इसमें से निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। किनारी पतला हो जाए ठीक है, लेकिन बीच में हमें पतला नहीं करना है। वैसे हम चारों तरफ बराबर ही बेलेंगे। देखिए इस तरह से। अगर आपका लोई बिना आटा का नहीं बेला रहा है या फिर बिना तेल का नहीं बेला रहा है तो आप तेल या फिर आटा लगा लीजिए। देखिए इस तरह का पतला हमें चाहिए, इस तरह का। अब इसे हम रख देते हैं। सारे लोई हम इसी तरह से बेल लेंगे। देखिए इस तरह से हम सारे पूरी बेल लिए हैं। और अब हम एक मोल्ड लेंगे सांचा, जो कि इजली मार्केट में मिल जाता है आराम से, इसमें हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है ज़्यादा। इस तरह से देखिए थोड़ा सा इसे हम इसमें डिप कर देंगे, क्योंकि इसमें हम स्टफिंग डालेंगे ना, तो थोड़ा सा इस तरह से। अब हम इसमें देखिए इस तरह से इजी वे में देख लीजिएगा आप, कम से कम 1.5 चम्मच इसमें आप ज़रूर डालें। और अब हम डालेंगे इसमें, लगाएंगे पानी किनारी पे, इस तरह से ऐसे एडजस्ट कर देंगे स्टफिंग को, और इस तरह से चारों तरफ बढ़िया से अच्छे से पानी लगा देंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, लगा देंगे ताकि हमारा चिपक जाए बढ़िया से गुजिया। इसे इस तरह से हम एडजस्ट कर देंगे तरीके से कि बिखरे नहीं। और अब इसे हम इस तरह से लेके बंद कर देंगे और इस तरह से प्रेस कर देंगे चारों तरफ कि इसका मुंह अच्छे से बंद हो जाए। और ये एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे, इस तरह से निकाल देंगे। और इसका भी हम गुजिया बना लेंगे। जब सब में का कटिंग निकलेगा तो एक लोई बन जाएगा, तो हम उसका भी गुजिया बना लेंगे। इस तरह से अच्छे से दबा देंगे। और अब हम इसे खोलेंगे इस तरह से, और इसे आहिस्ता से धीरे से इस तरह से निकालेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा गुजिया हमारा तैयार हुआ है, कहीं से भी खुला नहीं है। और इस तरह से हम इसे यहाँ रख देंगे। इसी तरह से करके हम ये सारे गुजिया तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से करके हम ये गुजिया बना लिए हैं, जो कि हम साचा से बनाए हैं मोल्ड से। तो हम अब हाथ से बना के दिखाते हैं। देखिए हम पूरी बेल लिए हैं, क्योंकि अब हम इसे हाथ से डिजाइन इसका बनाएंगे। तो हाथ से डिजाइन बनाने के लिए गुजिया का पूरी हम छोटा बनाएंगे, क्योंकि ये सारा हमें भरना पड़ता है
और इसमें से एक्स्ट्रा आटा नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसका पूरी छोटा बनाएंगे। अब हम इसे स्टफिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हाफ पे लेंगे, इस तरह से छोटा पूरी है तो एक ही चम्मच हम डालेंगे इसमें स्टफिंग। देखिए इस तरह से, और हाथ में पानी लगा के चारों किनारी पे लगा देंगे और इसे यहाँ से शुरू करेंगे बंद करना, और इस हाथ से पीछे से बंद करेंगे और अंदर ऊपर से स्टफिंग अंदर करते जाएंगे इसे ऐसे। इस तरह से हम बेस इसका बंद कर दिए। अब हम इसे फाइनल इस तरह से ऊपर से चिपकाते जाना है, थोड़ा पतला उसका ऊपर का आउटलाइन करते जाना है क्योंकि हम इसे मोड़ना है, इसलिए ये देखिए ये हम पतला कर लिए इस तरह से। आप अच्छे से देखिएगा इसका हम डिजाइन कैसे बनाएंगे। इससे क्या होता है कि इसका जो मोड़ने वाला होता है पार्ट वो ज़्यादा मोटा नहीं होता है। अब हम इसे अंगूठा से और इस उंगली से इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पे दबा देना है। देखिए हमारा गुजिया बनके तैयार है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए अब हम लोग साचा से ही ज़्यादा बना लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा समय लगता है बनाने में, इसी तरह से हम बाकी सभी बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हम ये एक डिज़ाइन बना दिए हैं। अब हम दूसरा डिज़ाइन बना रहे हैं। अब इस गुजिया का डिज़ाइन हम चेंज कर रहे हैं। डिज़ाइन बहुत सारे हैं। पहले तो हम लोग मम्मी और दादी को देखते थे, पहले उन लोग को हाथ से ही बहुत सारा डिज़ाइन बनाते हुए कुछ याद है, वे बना रहे हैं। देखिए इस तरह से इसे भी, इसका किनारी भी हम पानी से लगा देंगे और इसे भी इसी तरह से बंद करेंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। यहाँ पे स्टफिंग नहीं है, ठीक है। ये जो हम लोग बंद किए ना, तो ये बंद वाले ही पार्ट को हम लोग को इसे पतला करना है, स्टफिंग नहीं दबाना है, नहीं तो फट जाएगा। ये जो बंद हम किए हैं यहाँ पे सिर्फ आटा है यानी डो है, इसी को हमें पतला करना है। आप देखिए ये हाथ जो है अंगूठा, इससे हम इसे प्रेस करेंगे, इस तरह से पलट देंगे और इसे कट कर देंगे। यहाँ पे दबा देंगे। देखिए इस तरह से क्या हो रहा है कि दो तरफा डिज़ाइन दिख रहा है आपको। देखिए नज़दीक से देखिए, दो तरफा डिज़ाइन आपको दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाना है। चलिए दूसरा भी दिखा देते हैं। हो गया।
हमारा तीन तरह का डिजाइन बनके रेडी है। देखिए देखिए हमारा तीन तरह का डिजाइन बनके तैयार है। तीन तरह से हम इसे इसका डिजाइन बनाए हैं। ये सांचा से बनाए हैं और ये हाथ से एक तरह का डिजाइन है और ये काटा वाला भी बनाए हैं हाथ से ही। अब हम इसे फ्राई कर ले। गुजिया फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। हम घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाले हैं। हम इसमें कुकिंग ऑयल डाले हैं और गैस ऑन कर दिए, लेकिन गैस का फ्लेम हम हाई नहीं रखेंगे। इसको थोड़ा देर गर्म कर लिए हैं और उसके बाद हम बिल्कुल लो पे कर दिए हैं, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो गुजिया के ऊपर बबल्स ना आए, क्योंकि तुरंत गर्म हो जाता है इसलिए बबल्स आ जाते हैं गुजिया के ऊपर। तो इसलिए हम इसे एकदम बिल्कुल थोड़ा सा हल्का गर्म रहने देंगे। अब देखिए हम इसे डाल रहे हैं। देखिए इतना ही गर्म हमें चाहिए। इस तरह का चाहिए। और बहुत ज़्यादा तेल अगर गर्म हो गया है तो आप गैस ऑफ कर दें बिल्कुल। इस तरह से हम फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस तरह से उलट पुलट के धीरे धीरे उलटेंगे पुलटेंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो एक ही जगह लाल हो जाएगा या फिर बबल्स आ जाएंगे। इसीलिए हमें इसे बराबर चलाते रहना है धीरे धीरे। देखिए बहुत सारे गुजिया, देखिए ये पलट नहीं रहा है, तो इसे हम थोड़ा देर इस तरह से हल्का हाथ से प्रेस करके इसे पकड़े रहेंगे ताकि वहाँ भी गर्म हो जाए। एक जगह स्टफिंग इकट्ठा हो जाता है तो गुजिया पलटता नहीं है, पर हमेशा एक ही साइड पलट जाएगा बार बार, तो इसलिए हमें उसे वहाँ पे थोड़ा सा कलछी से पकड़ के रखेंगे इस तरह से, ताकि वहाँ भी अच्छा से सिक जाए। गैस का फ्लेम हम लो पे ही रखेंगे। अगर जब ज़रूरत हो तो मीडियम पे भी कर दें, लेकिन फिर तुरंत लो पे कर दें। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। बहुत ही लाइट कलर का, ब्राउन लाइट कलर का गोल्डन कलर हो गया है। इसी कलर पे हमें निकालना है पिरुकिया यानी गुजिया। हम लोग बिहार में पिरुकिया भी बोलते हैं इसे। अब हम इसे निकाल देंगे। देखिए बहुत ही अच्छा से फ्राई हुआ है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। एक्स्ट्रा तेल निकाल दें। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। हम दूसरा बैच भी निकाल लेते हैं। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो तो बिल्कुल गैस ऑफ कर दें, ठंडा कर दें तेल को। अभी हम सारे एक साथ डाल देते हैं। इसे भी हम इसी तरह से उलट पुलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन कलर का आ जाएगा तो हम इसे भी निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर पे आ गया, लाइट गोल्डन कलर पे। हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए किसी भी गुजिया में बबल्स नहीं आए हैं। अब बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, देखिए कितना अच्छा कलर है। बहुत ही बढ़िया कलर आया है, बहुत ही अच्छा से फ्राई भी हुआ है। देखिए कितना प्यारा कलर है, कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छा, ऊपर से क्रिस्पी है, क्रंची है, अंदर से तो सॉफ्ट है ही। अब देखें स्टफिंग कितना अच्छा स्टफिंग बना है। और देखिए ऊपर का लेयर भी बिल्कुल खास्ता बना है। देखिए इस तरह, यहाँ पे देखिए इस तरह से बहुत ही खास्ता गुजिया बना है। इस तरह से आप भी बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा गुजिया।
गुजिया बनके तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बना है। देखिए इसे तोड़ के भी दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया बनेगा, देख सकते हैं आप कितना टेस्टी बना है, कितना क्रंची बना है, बहुत ही, और अंदर से भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खस्ता भी बहुत अच्छा है। अगर हमें रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा हमारी रेसिपी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।